सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। पेश है आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आपके लिए लेकर के आएंगे पूरा ड्राइविंग ट्यूटोरियल। कम से कम 4-5 किलोमीटर का हमारा ये रहने वाला है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको ये रोड देखने को मिल रहा है। सिंगल लेन है, आप इसे हाईवे समझ सकते हो क्योंकि गाड़ियों की स्पीड काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। तो इस तरीके की रोड में जिसमें चौड़ाई कम हो और स्पीड भी मेंटेन करनी पड़े, यहाँ पर हमें गाड़ी किस तरीके से चलानी है ये आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा रहने वाला है। ये देखिए कितनी तेजी से स्कॉर्पियो हमें ओवरटेक करके गई। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना ट्यूटोरियल आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर हमने पूरा अपना सेटअप बना लिया है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, एसी हमने ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो रही है। हैंड ब्रेक हटाया, ब्रेक पे मेरा पैर है ही है, फर्स्ट गियर डाला, ORVM पे देख रहे हैं कोई नहीं है। आगे बढ़ा ली हमने अपनी गाड़ी, इसके बाद ऐसे सेकंड लगाया। आप देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है। ये थर्ड ले लिया, तो सिंगल लेन है तो सबसे पहले इसमें एक नियम आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए कि आपको हमेशा ना अपनी साइड चलना है। अभी जो पट्टी है ना इस साइड और इस साइड, इससे काफी हमें ईज मिल रही है। ये फोर्थ गियर हमने ले लिया, इससे हमें ये है कि अपनी लेन में हम रहेंगे ना तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। ORVM IRVM पर हम बिल्कुल देखते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं, इधर लेफ्ट में भी देख लिया। लेफ्ट में आपको इसलिए भी देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि सड़क से कितनी ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड इतनी ज्यादा चौड़ी है नहीं, वहां पे काम चल रहा है और जैसे ही चौड़ी हो जाएगी वैसे ये 3 लेन हाईवे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम NRI सिटी जो है कानपुर की, वहां पे चल रहे हैं। तो जो लोग भाई कानपुर से देख रहे हो ना, जरूर बताना कि इस लोकेशन के बारे में आप कितना जानते हो। अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो नियम के हिसाब से आप उसको ऐसे डिपर देते रहो। डिपर मारना आप समझते होगे, एक शॉट हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये देखिए NRI सिटी कितना ब्यूटीफुल लुक आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। बिठूर के पास ही है और आराम से देखिए हम चल रहे हैं। अब सामने देखिए बाइक जा रही है, बाइक हमारी निकल नहीं पाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड जजमेंट हमें इतना है। सामने से जो बाइक आ रही है उसको पास दिया। अब देखिए क्या आप ये जानते हैं कि सामने अभी अभी जो बाइक चल रही थी उसकी हेडलाइट क्यों ऑन थी, जबकि ये तो दिन का टाइम है। ये फिलहाल ORVM पे देख रहे हैं कार हमें ओवरटेक करने वाली है, ये ATOs हमें किस तरीके से ओवरटेक करके गई। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के चलिए। आराम से देखिए क्रूज कर रहे हैं सामने की तरफ। अब सामने जो टियागो खड़ी हुई है कभी भी आगे आ सकती है, इसलिए हमने उसको पास दे दिया। अपनी लेन पर हम बिल्कुल चल रहे हैं। अब इस तरीके की रोड में चलने के लिए ना आपका लेफ्ट साइड जजमेंट बेहद ही अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी सड़क से नीचे ना उतर जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेफ्ट वाला टायर किधर चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट आप देख रहे हो यहीं पर आपका जो लेफ्ट वाला टायर है वो चला करता है। अब उसकी बाई तरफ आपको रखना होता है, कितना बाई तरफ रखना है इस बारे में डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आने वाला है। लेफ्ट साइड जजमेंट के ऊपर प्रॉपर कि एक रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, एक ये है जहां से राइट का वाइपर शुरू होता है, राइट टायर जहां चलता है, और एक और रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि सेफ जोन माना जाता है। उसके सहारे ना आपकी गाड़ी निकल जाएगी, ORVM आपका बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। हाई स्पीड पर अगर आपको सिंगल लेन पे चलना पड़े तब आपको शीशे तीनों जरूर एक एक सेकंड में चेक करने पड़ते हैं, 2-3 सेकंड में लाइक, ताकि आपको ये रहे कि पीछे से कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। अब ये देखिए सामने से दो बाइक आ रही हैं, कैसे मस्ती में चले जा रहे हैं। उनको हमने पास दिया ताकि उनको भी ये रहे कि भाई सामने से कोई कार आ रही है, अपनी लेन में रहो। अब ये देखिए सामने से SUV आ रही है कोई, ये किया की गाड़ी है, कितनी स्पीड से आई। गनीमत ये थी कि हम अपने लेन में आराम से चल रहे थे तो उधर कोई इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। आराम से सेम इसी टाइप का रोड पूरे 8-10 किलोमीटर के लिए रहने वाला है, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो लेफ्ट टायर है वो रोड पे है प्रॉपर कि नहीं। अगर आपको लेफ्ट साइड जजमेंट नहीं पता तो कम से कम ORVM लेफ्ट वाला जरूर चेक करते रहिए ताकि आपको ये पता रहे कि रोड से कितना ऊपर आपकी गाड़ी है कितना नहीं है। अब ये देखिए 30 की स्पीड लिमिट लगा रखी है लेकिन यहाँ पे हार्डली कोई 30 से चल रहा है और कोई कैमरा भी आसपास नहीं है ताकि इस पे कोई पेनाल्टी या ऐसा कुछ लगाया जा सके।
तो आराम से हम चलेंगे। देखिए डिपर मारा उसको हमने और वो देखिए अपनी लेन पे वापस चला गया। तो सामने से जब गाड़ी आया करे ना तो आप घबराइए नहीं, जो हमारे बिगनर होते हैं ना वो काफ़ी घबरा जाते हैं और इस चक्कर में उनका स्टेयरिंग ऐसे लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो आपको ये नहीं करना, पैनिक बटन तो अपना बिल्कुल भी नहीं दबाना है, सीधे सीधे जो नियम है उनके हिसाब से चलिए आप और आराम से पास देते रहिए। अब ये देखिए सामने से एक और बाइक आ रही है जिसकी हेडलाइट ऑन है, क्या आप इसका रीज़न जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट कीजिए। आप ये बताइए कि आजकल की जो बाइक स्कूटी आ रही हैं उनकी हेडलाइट लगातार क्यों जलती रहती है, क्या वजह है उसकी, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिए स्टेयरिंग को हम हल्का फुल्का मोड़ रहे हैं, अब आगे देखिए कर्व बन रहा है लेफ्ट की तरफ, तो स्टेयरिंग को उतना ही लेफ्ट करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। इससे पहले इस वैगनार को हम पास दे देंगे, देखिए कितना क्लोज गाड़ी निकली है। अब ये KDA के पास हम चल रहे हैं, जो भी कानपुर वाले हमें देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन लोग कानपुर से हैं और ये वाली लोकेशन के बारे में कितना जानते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी गाड़ी हम टिल्ट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए ट्रांस गंगा सिटी 3.5 किलोमीटर है और जो हमारा मेन कानपुर का है ना उस पर हम देखिए आने वाले हैं। अब कानपुर जो सिटी है इसके लिए हमें राइट का सिग्नल देना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है भाई सिटी साइड, लखनऊ 86 उन्नाव 24। आराम से देखिए हम ऐसे चलते रहेंगे और सिटी साइड जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, ये देखिए सेकंड गियर पे हमने गाड़ी ले ली है, हल्का सा झटका भी लगा है क्योंकि स्पीड 25-30 के आसपास थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट का सिग्नल हमने दे रखा है ऑलरेडी, ORVM पे देख रहे हैं कोई नहीं है, उधर से भी कोई नहीं है, लेफ्ट पे भी कोई नहीं है। इस तरीके से हमने इसको पार कर लिया। सेकंड गियर पे अपनी गाड़ी ऐसे उठाते हैं, ये हमने थर्ड ले लिया भाई। अब ये जो हमारा ये जो हाईवे टाइप का था ना जिसकी रोड एकदम चौड़ी नहीं थी, सामने से भी गाड़ी हाई स्पीड से आ रही थी, अपन भी हाई स्पीड से चल रहे थे, वो खत्म हो चुका है। अब कानपुर सिटी की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। ये कानपुर का अटल घाट देखिए सामने हमें नजर आ रहा है और ये देखिए भाई कितना बेहतरीन लुक है, ये जाली के इस पार हमारी गंगा नदी है, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। सामने जो अटल घाट है कानपुर का बहुत ही फेमस है, जो जो लोग यहाँ पे गए हैं अपना बता सकते हैं। अब देखिए ये भी सिंगल लेन ही है, सामने कर्व है, मतलब जिस टाइप की रोड से हम अभी तक आ रहे थे ना ऑलमोस्ट वही है, बस ये है कि कानपुर सिटी में हम एंटर कर चुके हैं। फोर्थ गियर पे चल रहे हैं अपन आराम से, बिल्कुल 40 अबव कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैमरा चूंकि मैंने हेड पे लगाया हुआ है इस वजह से बीच बीच में दिक्कत आ रही है, इस वजह से बार बार मैं ब्लाइंड स्पॉट चेक कर रहा हूँ क्योंकि माथे पे इतना ज़्यादा वजन लिए, अगर आप बिगनर हो तो मत चलाना गाड़ी, पूरा फोकस आपका ड्राइविंग टाइम पे होना चाहिए। मुझे ना काफ़ी टाइम हो चुका है चलाते चलाते इसलिए इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं निकाल लूँगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लाइंड टर्न है तो हॉर्न करेंगे, सेकंड गियर पे हमने ले लिया है, फोर्थ से सीधे, तो देखा आपने गियर स्किपिंग का कितना बढ़िया एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। अब यहाँ से हमें राइट जाना है इसलिए राइट का सिग्नल दे दिया भाई, अगल बगल बिल्कुल आपको देखना चाहिए, इसके बाद ऐसे सेकंड गियर पे गाड़ी उठा देनी चाहिए। देखिए लेफ्ट से वैगनार आ रही है, हमसे दूर है काफी ज्यादा, थर्ड गियर पे हमने ले लिया, सामने से इको स्पोर्ट आ रही है उसको पास दिया जिससे वो अपनी लेन पे बना रहा है। देखिए सामने बंदा कैसे दौड़ रहा है, अब ये पता नहीं आर्मी की तैयारी कर रहा है कि पुलिस की कर रहा है हमें नहीं पता और हमें कोई परवाह भी नहीं है। इसको हॉर्न देंगे, अब देखिए ऐसे ऐसे नमूने भी आपको एनकाउंटर होते हैं। अब ये देखिए एकदम से ट्रैक्टर लेके आया सामने, तो देखा आपने कैसे लोगों से आपको बच के चलना चाहिए। थर्ड गियर पे हमने गाड़ी ले ली क्योंकि स्पीड हमारी मेंटेन थी, बीच बीच में ORVM भी देख रहे हैं, ORVM पे पीछे रेनॉल्ट की कोई गाड़ी आ रही है, वो देखिए हमें कैसे क्रॉस करके गई, स्पीड में चला रहा है बंदा लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए। आप भी जब प्रो ड्राइवर बन जाओगे ना आपको भी इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आता है वैसे ही हम रुक जाएंगे। क्लच कंट्रोल आप मेरा देखते रहना, इसमें आप एक खास चीज नोटिस करोगे कि मेरा पैर ना बेमतलब क्लच पे नहीं है,
जब मुझे क्लच की नीड है तभी मैं उसका यूज कर रहा हूँ। इससे ना क्लच प्लेट की काफी बचत होती है और क्लच पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता। IRVM पे देख रहे हैं स्कूटी आ रही है लाइट जलाती हुई, जैसा कि आपको पता है, कमेंट में हमने पूछा भी है कि ऐसा क्यों होता है, बताइएगा। फिर फोर्थ पे हमने ले लिया क्योंकि ट्रैफिक है नहीं बिल्कुल, ORVM पे कोई नहीं है, IRVM पे एक स्कूटी है लेकिन वो काफी पीछे। अब ये देखिए, जैसे ही कोई डिवाइडर ओपन आपको नजर आए या बगल में कोई गली नजर आए, एक बार ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी के जरूर चेक करना भाई, क्योंकि लेफ्ट राइट जजमेंट आपका यहीं पे मेनली गड़बड़ाता है। ब्लाइंड स्पॉट एक बार आपका क्लियर हो जाए, इसके बाद आप विदाउट एनी प्रॉब्लम गाड़ी बढ़ा सकते हो अपनी। अब यहाँ पे साइड में हम रोक लेंगे, लेफ्ट साइड का जजमेंट लेंगे और इसी वाइट स्ट्रिप पे गाड़ी हम चढ़ा देंगे। वाइट स्ट्रिप पे एग्जैक्टली हमारा टायर चल रहा है।